तुमने इंस्टाग्राम रील्स या यूट्यूब शॉर्ट्स में ऐसी वीडियोस तो जरूर देखी होगी जिसमें मिलियंस में व्यूज आते हैं और लोग अच्छा खासा अर्न भी करते हैं। तो सबसे पहले मैं तुम्हें प्रूफ दिखा देता हूँ कि ऐसे चैनल्स अर्न करते भी हैं या नहीं, देन हम इन वीडियोस को कुछ मिनटों में क्रिएट करना सीखेंगे। यूट्यूब पर स्क्रॉल विद कवन नाम से एक चैनल है जिसके 8 लाख सब्सक्राइबर है और इसके शॉर्ट्स वीडियोज में करोड़ों में व्यूज है। अब मैं तुम्हें इसकी अर्निंग दिखाता हूँ। तुम देख सकते हो ये चैनल मंथ के $7,000 से $118,000 तक अर्न करता है। ऐसे तुम भी चेक कर सकते हो सोशल ब्लेड के वेबसाइट में जाके। अब मैं तुम्हें ऐसे वीडियोस एडिट करना सिखाऊंगा जिससे तुम्हारा चैनल भी मोनेटाइज हो जाएगा और तुम्हें किसी भी वेबसाइट की सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले तुम्हें यूट्यूब पर जाके सारे पॉडकास्ट चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है, क्योंकि जब भी वो लेटेस्ट पॉडकास्ट वीडियो अपलोड करेंगे तो तुम्हें पहले ही पता चल जाएगा। और तुम्हारे माइंड में अभी भी एक क्वेश्चन तो आ रहा होगा कि पॉडकास्ट वीडियो तो एक एक दो दो घंटे की होती है, तो उतना कौन देखेगा वीडियो को और कहां से कौन सा पार्ट इंटरेस्टिंग है ये कैसे पता चलेगा। तो भाई इसकी भी टेंशन मत लो, मैं तुम्हें एक ट्रिक बताऊंगा जिससे तुम्हें एक एक दो दो घंटे के पॉडकास्ट वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और तुम्हें इंटरेस्टिंग पार्ट तुरंत मिल जाएगा। इस ट्रिक को करने के लिए तुम्हें क्रोम में जाके अपने यूट्यूब को ऑन कर लेना है, फिर यूट्यूब सर्च में पॉडकास्ट वीडियो सर्च करना है, फिर तुम्हें किसी भी पॉडकास्ट वीडियो को प्ले करना है। अब ये जो तुम्हें वीडियो का टाइमलाइन दिख रहा है उसे होल्ड करते हुए आगे पीछे करके देखोगे तो तुम्हें एक ग्राफ दिखेगा। यहाँ जो तुम्हें ये ऊपर जाता हुआ ग्राफ दिख रहा है ये मोस्ट रिप्लेड ग्राफ है, मतलब कि उस पार्ट को ऑडियंस ने बार बार देखा है और पसंद किया है और हमें इसी पार्ट को कट करना है। तुम्हें यहाँ पर टाइमिंग भी दिख रही होगी कि इंटरेस्टिंग पार्ट कहाँ से स्टार्ट हुआ है, तो तुम्हें वीडियो को कट करने में आसानी भी हो जाएगी। तो सबसे पहले तुम्हें पॉडकास्ट वाली वीडियो को फुल HD में डाउनलोड कर लेना है, देन तुम्हें इंसर्ट एप्लीकेशन को ऑन करना है। अगर तुम्हारे पास इंसर्ट एप्लीकेशन नहीं है तो तुम सब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, मैंने वहाँ पर इंसर्ट एप्लीकेशन अपलोड कर दिया है। उसमें तुम्हें प्रीमियम लेने की जरूरत नहीं होगी, सब कुछ फ्री होगा, तो तुम जाके डाउनलोड कर सकते हो। तो अब इंसर्ट एप्लीकेशन को ऑन करने के बाद वीडियो वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, फिर न्यू पर टैप करके अपने पॉडकास्ट वाली वीडियो को ऐड कर लेना है, फिर तुम्हें उस ग्राफ को देख लेना है कि किस टाइम पे वीडियो का इंटरेस्टिंग पार्ट स्टार्ट हुआ है। तो मैं मान के चलता हूँ कि यहाँ से मेरा इंटरेस्टिंग पार्ट स्टार्ट है, तो मैं इसे स्प्लिट कर दूंगा और फालतू पार्ट को डिलीट कर दूंगा, और फिर आगे चल के मैं मान के चलता हूँ कि मेरा यहाँ पे इंटरेस्टिंग पार्ट खत्म है, तो मैं इसे भी यहाँ से स्प्लिट करके फालतू पार्ट को डिलीट कर दूंगा। अब इस वीडियो को यूट्यूब शॉर्ट्स के साइज में कन्वर्ट करने के लिए इस कैनवास के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फिर यहाँ से यूट्यूब शॉर्ट्स के साइज को सिलेक्ट कर लेना है, फिर इस वीडियो को फुल स्क्रीन कर लेंगे, फिर चेक आइकन पर क्लिक करना है। अब इस क्लिप में जो लड़की है उसे हम बोल्ड करते हुए स्क्रीन के बीच में ले आएंगे, फिर वीडियो के टाइमलाइन को जूम कर लेना है, फिर वीडियो को आगे करना है। अब तुम देख सकते हो यहाँ केरी भाई की वीडियो आ गई है, बट वो स्क्रीन में अच्छे से नहीं आ रही है, तो जहाँ से केरी भाई की वीडियो स्टार्ट हो रही है वहाँ पर स्प्लिट करेंगे, फिर स्क्रीन को होल्ड करते हुए केरी भाई वाली वीडियो को स्क्रीन के बीच में ले आएंगे। अब तुम्हें ऐसे ही जब भी किसी सीन में अलग अलग पर्सन बोलते हुए दिखेंगे तो तुम्हें उसे इसी तरह से स्क्रीन के बीच में लेके आना है जिससे वीडियो इंटरेस्टिंग लगेगी। मैंने पहले से ही ये सब कर लिया है, तो अब इसे प्ले करते हैं। आप जैसे जिनके रोस्ट करते हो या जिनकी वीडियोस बनाते हो तो वो पहले से और ज्यादा फेमस हो जाते हैं। हाँ जी, तो ये सवाल है जवाब है। आगे सवाल है, तो क्या कभी किसी ने समय से आपको बोला है कि मुझे रोस्ट करो? बोलते होंगे, बहुत लोग बोलते हैं। तो आप करते हो? नहीं। वीडियो तो एडजस्ट वगैरह हो चुका है, तो अब हम इस वीडियो में ऑटो कैप्शन ऐड करेंगे। तो तुम्हें यहाँ टेक्स्ट के ऑप्शन में जाके कैप्शन पर क्लिक करना है और स्टार्ट कर देना है, फिर कैप्शन जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। कैप्शन जनरेट हो चुका है, अब इसे थोड़ा प्ले करते हैं। आप जैसे जिनके रोस्ट करते हो या जिनकी वीडियोस बनाते हो तो वो पहले से और ज्यादा फेमस हो जाते हैं। हाँ जी, तो सवाल है जवाब। तुम देख सकते हो कैप्शन जनरेट तो हुआ है, बट अभी उतना अच्छा नहीं लग रहा है दिखने में, इसलिए इसे एडिट के ऑप्शन में जाके इसमें एक अच्छा सा फॉन्ट ऐड करेंगे। तुम यहाँ से कोई भी फॉन्ट ऐड कर सकते हो, मैंने अपना फॉन्ट पहले से ही डाउनलोड करके रखा है तो मैं उसे ही ऐड करूँगा। फॉन्ट को ऐड करने के बाद ये जो लॉन्ग वर्ड्स हैं उसके आधे टेक्स्ट को नीचे ले आएंगे, जिससे बाद में जब हम टेक्स्ट को बड़ा करेंगे तो वो दिखने में अच्छा लगेगा। तो मैं हर टेक्स्ट में ऐसा कर लेता हूँ, तो तुम सब भी कर लेना। तो हमने सारे लॉन्ग वर्ड्स को नीचे कर लिए हैं, अब हम टेक्स्ट को होल्ड करते हुए ऊपर ले आएंगे और टेक्स्ट को बड़ा कर लेंगे। इसमें तुम एक टेक्स्ट को ऊपर लाओगे तो सारे टेक्स्ट अपने आप ऊपर चले जाएंगे। अब इस टेक्स्ट में कलर ऐड करने के लिए इस कलर के ऑप्शन में जाएंगे और येलो कलर को सिलेक्ट कर लेंगे। तुम अपनी मर्जी से कोई भी कलर ले सकते हो। अब मैं इस टेक्स्ट को ग्लो के ऑप्शन में जाके ग्लो करवाऊंगा। ये थोड़ा ज्यादा ग्लो हो गया है,
तो इसे थोड़ा कम करते हैं। अब इसका कलर ले लेते हैं। मैं येलो ले रहा हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा येलो कलर को ग्लो करवाना है। अब ग्लो को थोड़ा और कम कर लेते हैं। अब बॉर्डर में जाके ब्लैक कलर ले लेते हैं। अब इसे थोड़ा कम करेंगे, ज्यादा बॉर्डर में नहीं लूंगा, तुम सब अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। अब इसमें शेडो ऐड करने के लिए शेडो के ऑप्शन में जाएंगे और फिर ब्लैक कलर को ऐड कर लेंगे। अब इसे यहाँ से एडजस्ट कर लेंगे। तुम सब देख सकते हो टेक्स्ट में शेडो ऐड हो चुका है। तुम सब यहाँ पर और भी ऑप्शन ट्राई कर सकते हो। तुम यहाँ मोशन में जाके टेक्स्ट किस तरह से स्क्रीन में एंटर हो उसके इफेक्ट्स यहाँ से ऐड कर सकते हो। मैं तो नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ऐसे ही सिंपल ठीक लग रहा है। तो अब इसे चेक आइकन पर क्लिक करके ऐड कर लेंगे। अब इसे प्ले करते हैं। जैसे जिनके रोस्ट करते हो या जिनकी वीडियोस बनाते हो तो वो पहले से और ज्यादा फेमस हो जाते हैं। हाँ जी, तो सवाल है जवाब है। आगे सवाल है, तो क्या कभी किसी ने सामने। अब तुम देख सकते हो टेक्स्ट अच्छी तरह से ऐड हो गया है। अब तुम्हें कॉपीराइट और स्ट्राइक से बचने के लिए टेक्स्ट के ऑप्शन में जाके तुम्हें क्रेडिट देना है कि तुमने वीडियो कहाँ से ली है। लाइक मैंने संदीप महेश्वरी सर के चैनल से ली है वीडियो, तो मैं उनके नेम को टाइप कर दूंगा और फिर इसे छोटा करके एडजस्ट कर लेंगे। फिर इस टेक्स्ट को वीडियो के एंड तक बढ़ा लेंगे। अब इस वीडियो को सेव कर लेंगे। अब तुम सब फाइनल रिजल्ट देख सकते हो। रोस्ट करते हो या जिनकी वीडियोस बनाते हो तो वो पहले से और ज्यादा फेमस हो जाते हैं। हाँ जी, तो सवाल है जवाब है। तुम देख सकते हो कितना अच्छा एडिट हुआ है वीडियो। इस वीडियो को बनाने में तुम्हें बस 10 से 15 मिनट ही लगेंगे और तुम इस शॉर्ट्स वीडियो को इंस्टा और यूट्यूब पर अपलोड करके ग्रो कर सकते हो। अब अगर तुम यूट्यूब पर वीडियो बनाते हो और तुम्हें अपने वॉइस ओवर को एडिट करना नहीं आता है तो तुम स्क्रीन वाले वीडियो पर क्लिक करके सीख सकते हो। जब तक के लिए बाय बाय।